हेलो स्टूडेंट्स वेलकम यू ऑल इन ई स्लेट चैनल और आज ई e चैनल पर हम बात करेंगे जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन के एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पर यानी मॉडल्स ऑफ कम्युनिकेशन की सीरीज़ अब जो है हमारे लेक्चर्स में चलेगी तो उसमें जो सबसे पहला मॉडल होता है जो सबसे बेसिक मॉडल है वो अरस्तू ने दिया था जो कि कम्युनिकेशन के प्रोसेस को समझाने के लिए जो एकदम बेसिक जो शुरुआती मॉडल था वो अरस्तु ने दिया था इंग्लिश में तो इसको एरिस्टोटल्स फर्स्ट फर्स्ट बेसिक मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन कहा जाता है उसके बारे में हम बात करेंगे तो मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन वाली सीरीज़ शुरू करने, करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहूँगी कि कम्युनिकेशन क्या होता है और मॉडल्स क्यों ज़रूरी होते हैं कम्युनिकेशन का मतलब होता है कि कम्युनिकेशन इज ए प्रोसेस बाय विच वी कैन शेयर आव आइडियाज़ आवर व्यूज़ आवर नॉलेज आ थॉट्स यानी कि हम एक ऐसा प्रक्रिया कम्युनिकेशन एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिसमें हम अपने विचारों को अपने ज्ञान को अपने जो भी भावनाएं हैं उनको दूसरों के सामने प्रस्तुत कर सकते हैं एक्सप्रेस कर सकते हैं दो या दो से ज़्यादा व्यक्ति आपस में अपने विचारों को भावनाओं को ज्ञान को जो है शेयर कर सकते हैं ये कम्युनिकेशन का एक मोटी सी मतलब एकदम नॉर्मल जो लोग हैं उनको समझाने वाली डेफिनेशन होती है विद्वान थे उन्होंने अलग अलग डेफिनेशंस दी थी वो हम एक अलग लेक्चर में पढ़ेंगे जब पूरा कम्युनिकेशन के बारे में पूरा एक पूरा लेक्चर बनाऊंगी तब मैं आपको बताऊंगी कि कम्युनिकेशन के अलग अलग लोगों ने क्या क्या डेफिनेशंस दी थी अभी एकदम नॉर्मल वे में अगर हमको कम्युनिकेशन को समझना है तो ये होता है अब बात आती है कि मॉडल्स ऑफ कम्युनिकेशन क्या होते हैं और उनकी क्यों ज़रूरत पड़ी मॉडल्स ऑफ कम्युनिकेशन का मतलब होता है मॉडल का यूज़ uh, होता है कि हम कोई बहुत बड़ी चीज़ को जब छोटे छोटे साइंस uh, में या छोटे छोटे प्रतीकों के रूप में बताते हैं तो वो मॉडल कह रहे हैं जैसे हमको घर बनाना होता है तो हम क्या करते हैं पहले एक जो है मैप बनवाते हैं या उसका एक मिनिएचर बनवाते हैं कि इस तरह से घर होगा यहाँ पर किचन होगी यहाँ पर वॉशरूम होगा यहाँ पर बेडरूम होगा इस तरह से वो पहले से हम तैयार करते हैं सेम वही चीज़ जब एक कम्युनिकेशन के बहुत बड़े प्रोसेस को जब समझाना था लोगों को तो उसके लिए अलग अलग जो विद्वान थे जो अलग अलग इस क्षेत्र में काम कर रहे थे रिसर्चर्स जो काम कर रहे थे उन्होंने मॉडल्स के थ्रू वो कम्युनिकेशन का प्रोसेस समझाया तो वो सारे जो बन गए वो हो गए मॉडल्स ऑफ कम्युनिकेशन तो उस कड़ी में या सीरीज में जो सबसे पहले थे वो थे अरस्तु जिन्होंने सबसे पहला जो है मॉडल दिया था कम्युनिकेशन का और जो अरस्तु थे वो एक ग्रिप फिलासोफर थे ग्रीक दार्शनिक थे और सब उन्होंने ही बताया था कि किस तरह से जो है इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन मतलब दो या दो से ज़्यादा लोगों के बीच में कम्युनिकेशन इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन मतलब हमारा खुद से कम्युनिकेशन तो ये कम्युनिकेशन के डिफरेंट टाइप्स होते हैं वो भी एक अलग लेक्चर्स में मैं आपको बताऊँगी एक अलग लेक्चर में मैं आपको बताऊंगी अभी हमको आज का हमारा लेक्चर पूरी तरह से अरस्तु के संचार प्रारूप पर है यानी एरिस्टोटल्स फर्स्ट बेसिक मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन पर है जिसके बारे में हम बात करेंगे इसके अलावा ये देखेंगे हम कि जो अरस्तु थे उन्होंने एक लीनियर मॉडल दिया था लीनियर मॉडल मतलब रेखीय प्रारूप रेखीय प्रारूप का मतलब एक सीधी रेखा में जो है संचार प्रक्रिया चलती है इनके अनुसार एक बात और ध्यान रखने की है कि जिन्होंने भी ये मॉडल दिए अलग अलग जो मॉडल हम आगे पढ़ेंगे वो उनके अनुसार हैं उसमें हो सकता है कुछ चीज़ हमें गलत लगे तो हमें वहाँ पर ध्यान नहीं देना है वो उस टाइम पर उनकी जो भी रिसर्च थी उनका जो भी लोगों को बताने का तरीका था उसके आधार पर उन्होंने नई नई चीज़ें जैसे जैसे आती गई वो आज के कम्युनिकेशन में जो एकदम लेटेस्ट मॉडल आया उसमें हम समझ जाएंगे लेकिन जो फर्स्ट बेसिक मॉडल था उसमें हो सकता है कुछ चीज़ें ऐसी हों जो हमारे जो हमें अटपटा सा लगे लेकिन वहाँ पर हमको ध्यान नहीं देना है हमको जो याद रखना है बस जो उन्होंने दिया वो याद रखनी है फिर उसमें हम उनकी लिमिटेशंस बता सकते हैं कि उन्होंने ये नहीं दिया था जो होना चाहिए था ठीक है फाइव एलिमेंट्स उन्होंने कम्युनिकेशन के बताए थे जिनके बारे में हम आगे पढ़ेंगे इसके अलावा जो उनका मॉडल था वो जो इंडिया के आ, बेसिक मास कम्युनिकेशन का प्रोसेस था यानी जनसंचार का प्रोसेस था जिसमें जो भी इंडिया के संत थे विचारक थे धर्मगुरु थे वो जिस तरह से अपने विचारों को पूरे मास में कन्वे करते थे या पूरे मास के साथ शेयर करते थे उस प्रोसेस को ध्यान में रखकर उन्होंने अपना मॉडल दिया था कि एक आदमी एक कोई भी विचारक कोई भी एक धर्म गुरु जो है वो किस तरह से एक बहुत बड़े मास को एक मैसेज दे पाता है तो वो जो प्रोसेस था वो उन्होंने अपने मॉडल के थ्रू बताया था तो जो उनका मॉडल बेस था वो इंडिया के जो मास कम्युनिकेशन का प्रोसेस था बहुत बेसिक जो प्रोसेस था उस पर आधारित था इसके अलावा उन्होंने अपने मॉडल में कहीं भी मीडियम का जिक्र नहीं किया मीडियम मतलब होता है माध्यम जिसके द्वारा हम अपना जो मैसेज है या अपना संदेश जो है वो रिसीवर तक पहुंचाते हैं तो उसमें इस उनके मॉडल में माध्यम का कहीं भी जिक्र नहीं था मीडियम का कोई डिस्क्रिप्शन नहीं था इसके अलावा ये कह सकते हैं कि इनका जो मॉडल क्योंकि बेसिक मॉडल था तो इनके मॉडल ने जो दूसरे मॉडल्स थे उनको एक गाइडलाइन दी थी कि इसको ध्यान में रखकर जो है आगे जिन्होंने भी मॉडल दिए हॉरेन लॉसवॉल ने या फिर विल्बर श्रॉम ने या ऑसगुट ने उन्होंने इनके मॉडल को बेस मानकर फिर अपने मॉडल्स का विकास किया था इसके बाद ये इंपॉर्टेंट चीज़ है अगर आप नेट का पेपर देते हैं या कोई भी जर्नलिज्म से रिलेटेड कोई भी एंट्रेंस देते हैं या कम्युनिकेशन का पेपर है आप एमबीए के स्टूडेंट्स हैं तो वहाँ पर ये क्वेश्चन आ जाता है कि अरस्तु की बुक का नाम क्या था जिसमें उन्होंने इस मॉडल के बारे में जिक्र किया रिटोरिक रिटोरिक बुक थी आर एच ई टी ओ आर आई सी की बुक थी जिन्होंने जिसमें उन्होंने सबसे पहले इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन के इस मॉडल का जिक्र किया था अब हम आते हैं पूरी तरह से कि मॉडल था क्या मॉडल में पांच एलिमेंट थे फर्स्ट वन इज स्पीकर दूसरा मैसेज तीसरा ऑडियंस चौथा ओकेजन और पांचवा इफेक्ट स्पीकर मतलब बोलने वाला यानी कि जो अपनी बात को कहता है सभी को मालूम है मैसेज मतलब जो बात कही जा रही है ऑडियंस मतलब जो लोग सुन रहे हैं यानी कि इसको दूसरी भाषा में हम रिसीवर भी कहते हैं लेकिन हमें यहाँ पर जो भी एग्जाम में लिखना है या जब भी इस आ, मॉडल के बारे में किसी को बताना है तो हमें अपनी तरफ से स्पीकर को सेंडर नहीं बोलना है ऑडियंस को रिसीवर नहीं बोलना है जो वर्ड उन्होंने दिए हैं हमको वही यूज़ करने हैं इसके बाद तीसरा एलिमेंट है चौथा एलिमेंट है ओकेजन ओकेजन मतलब अवसर और पांचवा एलिमेंट है इफेक्ट इफेक्ट मतलब प्रभाव अब अगर हम ओवरऑल इस मॉडल को देखें तो जो पूरा प्रोसेस अगर हमको कम्युनिकेशन का समझना है वो हम इस तरह से समझ सकते हैं कि कोई स्पीकर कोई भी वक्ता कोई भी बोलने वाला व्यक्ति किसी संदेश को किन्हीं ऑडियंस को देता है यानी दर्शकों को देता है या श्रोताओं को देता है और उस संदेश का विभिन्न अवसरों पर अलग अलग प्रभाव पड़ता है समझ आ रहा है आप लोगों को कि उन उनके अनुसार जो पूरा प्रोसेस होता है कम्युनिकेशन में उसमें एक स्पीकर होता है जो किसी बात को यानी किसी मैसेज को एक ऑडियंस होती है लोग होते हैं वो ग्रुप भी हो सकता है एक पर्सन भी हो सकता है उन तक पहुंचाता है और उसके इस मैसेज का अलग अलग अवसरों पर अलग अलग इफेक्ट पड़ता है अलग अलग अवसरों पर इफ़ेक्ट इसलिए पड़ता है क्योंकि अलग अलग अवसरों पर अलग अलग ओकेजन पर लोगों का माइंडसेट अलग होता है पूरा कम्युनिकेशन का प्रोसेस साइकोलॉजी पर आधारित है ठीक है अलग अलग अवसरों पर लोगों का माइंडसेट अलग होता है आ, कभी हम खुश होते हैं तो हमें कोई भी चीज़ बताई जाती है कुछ नेगेटिव भी बताई जाती है तो हम उसको ऐसे कर देते हैं कि कोई बात नहीं आज हम खुश हैं तो हम उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं देते कभी हम हमारा मूड सही नहीं रहता हम गुस्से में होते हैं तो वही चीज़ जो उस टाइम हमको सही लग रही थी वो चीज़ गलत लगने लग जाती है तो ये होता है कि अलग अलग ओकेजन पर अलग अलग चीज़ों का अलग अलग मैसेज का अलग अलग इफेक्ट होता है ये पूरा मॉडल इसी को समझाने के लिए किया गया था ये पूरा मॉडल इसी पूरे बेसिक पर आधारित था यानी कि स्पीकर मैसेज दिया ऑडियंस को और ऑडियंस पर उसका इफेक्ट ओकेजन के अनुसार अलग अलग पढ़ा दैट इज़ अरस्तु का फर्स्ट बेसिक मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन तो ये अरस्तु का फर्स्ट बेसिक मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन था आगे हम और भी मॉडल्स ऑफ कम्युनिकेशन पढ़ेंगे आपको कुछ भी इसमें डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं मैं ज़रूर कोशिश करूंगी कि आपके सारे डाउट क्लियर करने की कोशिश करूं। इसी का इंग्लिश वर्जन भी मैं जल्द ही अपने चैनल पर अपलोड करूंगी और इसके अलावा भी आपको मास कम्युनिकेशन या जर्नलिज्म से रिलेटेड कोई भी टॉपिक में आपको डाउट हो कुछ भी आपको पूछना हो तो आप कमेंट बॉक्स में प्लीज़ मुझे मैसेज कर सकते हैं तो ये था आज का हमारा फर्स्ट मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन और आगे भी इसी तरह के और इन वीडियोस को देखने के लिए प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए इस वीडियो को लाइक कीजिए और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक कीजिएगा ताकि जो भी नए वीडियोस आएँ जो कि आपके लिए बहुत यूजफुल होने वाले हैं एज ए मास कम्युनिकेशन स्टूडेंट वो आपको आसानी से मिल सकें थैंक यू